ना आप लोग भी आइए देखिए आप लोग का स्कूल है ना कैसे है मतलब हम लोग बाहर से तो हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं साथ साथ डिसिप्लिन मैनर ये सारी चीजें जो है हम लोग बच्चों को सिखाएंगे कितने सालों से पढ़ा रहे हैं इस फील्ड में बारह सालों से बारह साल का लंबा एक्सपीरियंस है ये अपने सिकराना अनुमंडल में एक अलग फैकल्टी का स्कूल हम लोग देने जा रहे हैं सो सो एक्साइटेड बेसिकली द एनवायरनमेंट इज सो गुड सबसे पहले मैं बधाई दूंगा इनके गुड्डू जी को जो इस जॉब क्षेत्रों में, है है। साथ साथ में आई टी के फील्ड में रिटेल में उस सबका भी ट्रेनिंग बिल्कुल भी निःशुल्क दिया जाएगा बच्चों के अंदर जो मैथ्स का डर होता है उस डर को यहाँ पे निकालने का सबसे पहले मैं काम करूंगा सिकरहना पब्लिक स्कूल में है जो सी कैरिकुलम पर आधारित ये स्कूल है और इंग्लिश मीडियम यहाँ से पढ़ाई की जाएगी और देखिए इसका इनग्रेशन प्रोग्राम 19 फेब को यानी 2024 19 फरवरी 2024 को इनग्रेशन होना है पूरी तरह से भव्य तैयारियां कर ली गई है और बस आपका इंतज़ार किया जा रहा है और एक ख़ास बात यहां पर फ्री एडमिशन और नामांकन भी फ्री चल रहा है और डेमो क्लास शुरू भी हो गया है फैकल्टी की बात की जाए तो देखिए दार्जिलिंग की फैकल्टी यहाँ पर मौजूद है जो बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए उनके कैरियर को संवारने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर प्रेरित है और यहाँ पर पहुंच गई है इन लोगों से हम बात करेंगे कि क्या एक्सपीरियंस ये रखती हैं कितने सालों से इस फील्ड में हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना ये लोग एक्टिव हैं सबसे पहले मैडम से बात कर लेते हैं वर्ष नेम मैंने भी सराय कितने सालों का एक्सपीरियंस रखती है हाउ मेनी एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड

उन लोग को सिखा सकते हैं मतलब डांसिंग करके है ना या फिर कोई कोई बच्चे पढ़ने में थोड़ा वो होते तो डांसिंग करके मतलब रैम्स करके है ना ऐसे करके हम लोग उन लोग को प्रभावित कर सकते हैं कर सकते हैं और भी बहुत सारा स्किल है क्या बाद में जब देखेंगे है ना आप लोग भी आइए देखिए हम लोग का स्कूल है ना कैसे है मतलब हम लोग बाहर से तो हम लोग कैसे पढ़ा रहे आप लोग भी एक्सपीरियंस ले लीजिए एक और टीचर है इनसे हम बात करेंगे नाम बता दें अपना माई सेल्फ प्रभास राय आई एम फ्राम दार्जिलिंग आई एम प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल बतौर आप प्रिंसिपल यहाँ पर सेवाएं देंगे काम करेंगे या, 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 का, uh, के लिए क्या है आपके पास मेरे पास टेन uh, ईयर्स का एक्सपीरियंस है और हम uh, की पहले भी कर चुके हैं बच्चों के लिए हुँ. तो हम लोग यहाँ पे आए स्कूल नया है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि बच्चे और बढ़ जाए और अच्छे से इंग्लिस जो हम लोग मतलब इंग्लिश के सिखाने के मतलब ये एक वो रखते हैं ना तो इसको कैसे करना है यहाँ पे आके कैसे सिखाना है बच्चों को और इसके साथ साथ डिसिप्लिन मैनर ये सारी चीज़ें जो है हम लोग बच्चों को सिखाएंगे और आगे ले जाएंगे स्कूल को यही उम्मीद रखते हैं हम लोग जी नाम दे। रंजीत कुमार रंजीत जी आप क्या पढ़ाएंगे यहाँ यहाँ साइंस पढ़ाने के लिए मैं साइंस पढ़ाएंगे कितने सालों से पढ़ा रहे हैं इस फील्ड में बारह सालों से बारह साल का लंबा एक्सपीरियंस है नया जगह है यहाँ पर किस तरह से माहौल देख रहे हैं यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है यहाँ बच्चे यदि आते हैं तो यहाँ से अच्छे सर्वांगीण विकास बच्चों के साथ होगा सभी टीचर लगन और मन से काम करेंगे और स्कूल का विकास बहुत ही बेटर होगा और यहाँ पीसफुल व्यवस्था है देखिए इनोगेशन प्रोग्राम होना है तैयारियां जोरों पर है नामांकन भी प्रारंभ है एडमिशन भी स्टार्ट कर दिया गया है और डेमो क्लास फ्री चलाया जा रहा है और ख़ास बात यह है कि ये बाहर के फैकल्टी यानी दार्जिलिंग से फ्रॉम बंगाल से ये लोग आए हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास कैसे हो इनके पास एक प्लानिंग रहता है अच्छे टोन में इंग्लिश यह डेवलप करते हैं बच्चों में जिस तरीके से फंडामेंटल टूल्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसे में ये एक बहुत अच्छा साबित होगा यहाँ का टीचिंग देखिए एडमिनिस्ट्रेटर हमारे साथ हैं डॉक्टर अली अख्तर उर्फ गुड्डू जी हैं बात करेंगे इनसे आखिरी आखिरी पड़ाव पे आप लोग आ गए हैं तैयारियां है, पूरी तरह से है सबसे पहले आप अपने उत्साह के बारे में बताइए हम लोग तो अभी 24 घंटा में 20 घंटा वर्क कर रहे हैं इस स्कूल में जो भी कमी है उसको दिन रात एक करके हमारे स्कूल के जितने टीचर्स हैं जो भी स्टाफ हैं सब लोग अपना अपना एनर्जेटिक काम कर रहे हैं जो भी कमी न रह जाए इसका पूरा हम लोग ख्याल कर रहे हैं आपके एस न्यूज़ के माध्यम से आपको आश्वस्त कर दे कि ये अपने शिकरहना अनुमंडल में एक अलग फैकल्टी का स्कूल हम लोग देने जा रहे हैं यहाँ पर किसी भी स्कूल में उस तरह का इतना भव्य तरीका से जो है प्ले ग्राउंड नहीं था और हम लोगों ने सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड दिया और हमारे दार्जिलिंग से जो सर लोग आए हैं और हमारे जो इर्द गिर्द में भी जो अपने लोकल में भी जो क्रीम क्रीम जो टीचर थे उन लोगों को हमने हायर किया है उनके द्वारा एक बेहतर से बेहतर शिक्षा कैसे दिया जाए उसका हम लोग की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है नंबर एक चीज़ नंबर दो चीज़ कि यहाँ कंप्यूटर क्लासेज भी अभी हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर थ्री है कि यहाँ पर किसी भी अपने अनुमंडल के स्कूलों में जो है प्ले क्लासेस नहीं थे जूनियर क्लास नहीं थे उन लोग के लिए हम अलग से व्यवस्था किए हैं नर्सरी एल के जी, जी तो है ही साथ में सिर्फ वो आवेंगे डाइंस अपना जो बच्चा अढ़ाई साल का तीन साल का जो है जो अपने माँ के दूर नहीं होना चाहता है माँ का प्यार पाना चाहता है तो वैसे लोगों के लिए यहाँ सिर्फ आएंगे और हमारे जो बाहर से जो टीचर हमने लाए हैं फीमेल उनके द्वारा उनको डांस कराया जाएगा उनको बैठने का तरीका सिखाया जाएगा कैसे बच्चा घर से दूर आ कर के एक स्कूल में अपना समय नहीं। नहीं। बिता सकता है कैसे एजुकेशन को बच्चा छोटा सा समझ सकता है उसकी अलग से हम लोगों के द्वारा एक रूपरेखा बनाई गई है जो आने वाले समय में वैसे गार्जियन को समझ में आएगा कि हाँ सिक रहना पब्लिक स्कूल में ही क्यों दे अपने बच्चा को और हम लोगों से आए ये अनुरोध करते हैं कि 19 दो 2024 रोज सोमवार को जो मेरा उद्घाटन है इनोग्रेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवें और हमारे व्यवस्था को देखें व्यवस्था को देखने के बाद में यहाँ का कैलकुलेशन करें कि हाँ ये स्कूल हमारे बच्चों को जो यहाँ पर नाम लिखा रहे हैं या पढ़ाई के लिए भेजेंगे ये कितना सही है और किस दिशा में, में मेरा बच्चा का भविष्य जाएगा नाम बता दीजिए

सबसे खुशी एक विद्यालय में सारंगी विकास की जगह है शिक्षा के साथ साथ जो है खेलकूद और जो चूज किए हैं बाहर दार्जिलिंग बंगाल से जो टीचर लाए हैं उसके अलावा जो है इस एरिया के जो है अनुभवी टीचर को इन्होंने चयन किया है और हमारी टीम जो होगी टीचर का होगा वह काफी जो है इस, इस एक मिसाल बनेगा इस क्षेत्र में और जो विद्यालय है आप देख रहे हैं कि जो शायद जो है हमको तो लग रहा है इस तरह की जो व्यवस्था दिए हैं शिक्षा कंप्यूटर प्ले ग्राउंड से लेकर सब चीज इनका भी जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा जो शिक्षा दिया जाए ताकि बच्चे को जो है दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं हो जितना एकेडमिक नॉलेज की जरूरत है उसी तरीके से टेक्निकल की भी जरूरत ज्यादा महसूस की जा रही है आज के इस टेक्निकल युग में पब्लिक स्कूल में कंप्यूटर की भी शिक्षा प्रारंभ की गई है यानी बेसिक लेवल पर भी शुरुआत से ही बच्चों को कंप्यूटर की व्यवस्था यहाँ कराई गई है देखिए फैकल्टी को भी लाया गया है ये सभी एक्सपीरियंस फैकल्टी है टीचर्स हैं जो अनुभव रखते हैं अपने अपने फील्ड में नाम बताइएगा अपना आनंद गौरव गौरव बिल्कुल आप गौरव गौरव स्कूल के लिए बनेंगे आप जी जी बिल्कुल कितना उत्साह और जोश के साथ आप पहुंचे हैं नए जगह पर आप पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरे भरपूर भरपुर साथ साथ स्किल इंडिया के तहत जो भी कोर्स जो भी जॉब रोड जॉब रोलाएगा मेडिकल में आईटी के फील्ड में रिटेल में उस सबका भी ट्रेनिंग बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा जी तो यहाँ बेटोन को लेकर भी विशेष तैयारी की मतलब कराया जाएगा और उसके साथ साथ डी सी ए डी सी ए वगैरह टाइपिंग वगैरह हिंदी हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रिपेयर मतलब पूरे उचित ढंग से कराया जाएगा जी मेरा नाम राजीव रंजन हुआ और सबसे पहले मैं आपको और आपके एस टी वी न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मैं यहाँ पे जब से इस स्कूल में ज्वाइन किया हूँ एज ए मैथ टीचर के रूप में और बच्चों के अंदर जो मैथ्स का डर होता है उस डर को यहाँ पे निकालने का सबसे पहले मैं काम करूँगा मैथ्स एकदम इजी वे में किस तरीके से बच्चों को सिखाया जा सकता है वो हम यहाँ पे ज़रूर करने का कोशिश करेंगे और इस स्कूल को बहुत आगे तक लेकर के जाने का प्रयास है यहाँ से जो सुदूर देहाती इलाका है और यहाँ पर किसी भी चीज़ों की कमी नहीं महसूस होगी जो लोग बाहर पढ़ करके तैयारी करते हैं बहुत सारे स्कूल में तैयारी करते हैं मतलब बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर एक बिज़नेस टाइप से मतलब किया जाता है लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कम खर्च में बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा ये तीनों का ध्यान रखा गया इस स्कूल में पांच एकड़ में फैला एक विस्तृत खेल मैदान एक विस्तृत स्कूल नर्सरी से एट क्लास तक की पढ़ाई होगी जो सी बी एस ई करिकुल पर आधारित है और इंग्लिश मीडियम में है ये सभी फैकल्टी देखिए ये सभी क्रीम लोग को, को हायर किया है ऐसे लोगों को चुना है जो अपने अपने फील्ड में महारत हासिल रखते हैं लंबा लंबा अनुभव रखते हैं और वही लंबा अनुभव अपने बच्चों में साझा करेंगे बच्चों में डेवलप करेंगे और देखिए ये सभी फैकल्टी टीचर्स हैं जो इस स्कूल में सेवाएं देने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद हैं 19 फेब को यानी 19 फरवरी को दुर्गर्शन होना है शुभ उद्घाटन होना है एक अच्छे मार्गदर्शन की शुरुआत की जा रही है शोर शराबा से दूर शांत इन्वामेंट में शांत माहौल में भीड़ भाड़ से दूर ये स्कूल अवस्थित है और एक अपनी एक पहचान बनाने के लिए पूरी तरह से अग्रसर है फिर से बता दें कि नामांकन प्रारंभ है जो फ्री किया जा रहा है और डेमो क्लास भी फ्री है अगर आप चाहते हैं बच्चों के सर्वांगी की विकास तो एक बार जरूर यहाँ पर विजिट करिए और खास तौर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से यातायात की भी व्यवस्था की गई है जो बच्चों को अपने घर से गाड़ी उठाएगी और यहाँ पर स्कूल में छोड़ेगी और फिर स्कूल से उठा करके अपने घर पे पहुंचाएगी जो बिल्कुल सेफ बोर्ड में होगा और हॉस्टल की भी व्यवस्था है फिलहाल इतना ही तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रही है न्यूज के साथ अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए और अगर आप फेसबुक पर हैं और पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत धन्यवाद